फादर थे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के, ओके देन फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, और सारे किंगडम क्लासिफिकेशन ड्रॉबैक्स भी था, राइट? यस. देन आया फाइनली आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. कौन दिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन? हु कैन टेल मी? हु इज द साइंटिस्ट हु आर्यन श्वेतकर? He is the man behind five kingdom classification, that is R.H. Whitaker. So according to him, जो पांच किंगडम थे बच्चों, क्या क्या था वो पांच किंगडम क्लासिफिकेशन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एनिमल. एक चीज है, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा को उन्होंने, मोनेरा को बहुत ही नीचे रखा था. यहाँ से है कौन से किंगडम के ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं नंबर में. ओके, बहुत ही छोटे भी होते हैं और बहुत ज्यादा भी होते हैं नंबर में. देन योर आंसर विल बी मोनेरा. मोनेरा कौन होते हैं? बैक्टीरिया सारे होते हैं, तो बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, एंड बहुत ज्यादा होते हैं. मैं बोली थी ना कॉस्मोपोलिटन, मतलब या फिर आप बोल सकते हो ओमनीपोलिटन. हर जगह में हम बैक्टीरिया पाएंगे, हमारे बॉडी के बाहर है, बॉडी के भीतर है, अंदर है, या फिर एनवायरनमेंट जहां पे देखोगे, हॉट स्प्रिंग में देखोगे, या फिर बहुत ही ज्यादा ठंड जहाँ पे वहां पे भी देखोगे, तो बैक्टीरिया तो आपको मिलेगा ही मिलेगा. इसीलिए दीज आर द ओमनीपोटेंट ऑर्गेनिज्म, या फिर हर जगह में मिलने वाले ऑर्गेनिज्म. कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं? मोनेरा किंगडम से. ओके, फिर जो थे प्लांटी एनिमलिया एंड फंगाई, उनको एक ही कैटेगरी में उनके वो रखे थे, या फिर देख सकते हो एक ही लेबलिंग में रखे, क्योंकि उनमें कुछ ज्यादा वो डिफरेंस मिला था उनको, इसलिए अलग अलग किंगडम किया उन्होंने. बट उनको इक्वली लगे ये तीनों, मतलब वेटेज तीनों का ही एक समान था, इसलिए मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा को रखा. प्रोटिस्टा से ऊपर थे ये तीनों किंगडम्स. ओके, नेक्स्ट देखेंगे सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि दिया गया था कार्ल हूस. फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन बोला जाता है. अब बोलोगे सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन तक है, पर फिर हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आपका बुक में ही है, बट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन तक हम पूरा डिटेल में जानते हैं, इसलिए यहाँ तक ही पढ़ते हैं. ओके, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हम आगे जाके डिस्क्राइब करेंगे, बट पहले जान लेते हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को क्या क्या दिया गया था, या फिर किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था. सो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन बेसिकली आपका थ्री डोमेन एंड सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन बोला जाता है. थ्री डोमेन जो था बच्चों, वो था पहला आर्किया, फिर था आपका बैक्टीरिया, फिर था आपका यूकेरिया. ओके, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको याद रखना है. सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में जो थ्री डोमेन से, उसमें फर्स्ट डोमेन आर्किया था बच्चों. आर्किया के अंडर में हम आर्की बैक्टीरिया, जितने सारे पुराने प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे उनको लेंगे, दैट इज आर्की बैक्टीरिया. देन आता है आपका बैक्टीरिया, नॉर्मल हम जो एडवांस बैक्टीरिया या फिर नए वाले बैक्टीरिया बोलते हैं, तो यू बैक्टीरिया इसलिए है वो. तो आर्की बैक्टीरिया अंडर में जाएगा आर्किया, यू बैक्टीरिया के अंडर में जाएगा यू बैक्टीरिया, एंड थर्ड डोमेन था आपका यू कैरिया. तो यू कैरिया के अंडर में जाएगा चार किंगडम. तो फर्स्ट डोमेन आर्किया, सेकेंड डोमेन बैक्टीरिया, थर्ड डोमेन यू कैरिया. फर्स्ट डोमेन के अंडर में फर्स्ट किंगडम आर्की बैक्टीरिया, सेकेंड डोमेन के अंडर में सेकेंड किंगडम यू बैक्टीरिया, थर्ड डोमेन के अंडर में और चार किंगडम, दैट इज प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया, जो कि हो गया सिक्स किंगडम. समझ में आया कैसे किंगडम थे? छह किंगडम उन्होंने बताया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया जो कि पुराने थे, यू बैक्टीरिया जो कि बहुत एडवांस है. आर्की बैक्टीरिया के अंडर में मैं लास्ट क्लास बोली थी आपको मिथोनोजेंस, देन थर्मोएसिडोफाइल एंड हालोफाइल्स, ये सारे आर्की बैक्टीरिया में जाते हैं. और इनको छोड़ने के बाद जितने बाकी के बैक्टीरिया आएंगे बच्चों, वो सारे यू बैक्टीरिया के अंडर में जाएंगे, और यूकेरिया के अंडर में आपके बाकी चार किंगडम. ओके, अभी आ गया फाइनली हम बैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे. बोलो क्या है क्वेश्चन? मैम सब गुड़ा तो बैक्टीरिया ना, पुन ताको आर्किया कोरी कि यू बैक्टीरिया माने बैक्टीरिया गोटे क्लास दे कि आर्की बैक्टीरिया तो गोटे बैक्टीरिया ना, किछ ता पुरोना प्रिमिटिव बैक्टीरिया जो थिले तांकर कैरेक्टर अलग रहउछि, आ यू बैक्टीरिया रे कैरेक्टर अलग रहउछि. आमे बे देखिबा जो पुरोना बैक्टीरिया रहउछन्ती बा आमे जो कोछ आर्किया, आर्की बैक्टीरिया सेमानकर किछ ता कैरेक्टर यू कैरियोटिक सहित भी मिसुछि. ओके, सेति पे से अलग करिया को बाध्य हले. ए सुदा लास्ट क्लास काई कि एब्सेंट थिलु मैम, सही दिन मोबाइल रे चार्ज नथिला. ओके, एतरा चार्ज सब रखुतबो क्लास पुरबरु. हां, केतरा दिनो क्लास होउची? तीटा ना तीनटा मैम? दीटा
ओके दीटा दीघंटा पे तो बैकअप रखिबो नि सकाल टाइम रे हां दीटा ही होची तो से दीटा पे तो दीघंटा रे बैकअप रखिबो ना बैटरी या फिर चार्जर लगे के देखिबो आ कोन ओके ताले मोनेरा आगे देखिबा सो मोनेरा में क्या क्या है आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया अभी आर्की बैक्टीरिया के अंदर में मिथेनोजेंस हैलोफाइल थर्मोएसिडोफाइल ये तीनों नाम पूरा याद रखना है एंड यू बैक्टीरिया के अंदर में अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस माइकोप्लाज्मा दिया गया है बैक्टीरिया दिया गया है एक्टिनोमाइसिटिस एंड सियानोबैक्टीरिया दिया गया है एक्टिनोमाइसिटिस एक इस तरह का बैक्टीरिया है जो की बैक्टीरिया होते हुए भी उनका कुछ फंगल टाइप कैरेक्टर है और सियानोबैक्टीरिया एक टाइप का बैक्टीरिया है जो की बैक्टीरिया होते हुए भी उनका प्लांट टाइप का कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ओके एंड माइकोप्लाज्मा को मैं क्या बोली थी लास्ट क्लास जोकर ऑफ और भी बोली थी जोकर ऑफ कौन सा किंगडम प्लांट किंगडम वेरी गुड जोकर बोला जाता है हाँ देखो अभी मोनेरा तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कहाँ कहाँ मिलते ये भी देखा था सिमिलरिटीज ये देखो आर्की बैक्टीरिया जो कि बहुत पुराने बैक्टीरिया थे उनका और हमारे साथ क्या क्या सिमिलैरिटीज है यूकैरियोटिक सेल के साथ हिस्टोन प्रोटीन इनका प्रेजेंट है जबकि हम एडवांस बैक्टीरिया जितना भी देखेंगे उनका हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है बच्चों जैसे कि हमारे बॉडी में न्यूक्लियस में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड करके रहता है वैसे ही आर्की बैक्टीरिया में जो होता है डीएनए वो भी हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड करके रहता है तो एक सिमिलैरिटीज है ये जो कि नए बैक्टीरिया मतलब यू बैक्टीरिया के साथ ये अलग है नहीं है उसका कैरेक्टरिस्टिक डीएनए रेप्लिकेशन जैसे कि हमारे भी देन मोनोसिस्ट्रोनिक ऑपेरन प्रेजेंट जो कि यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है बट हम अगर प्रोकैरियोटिक या फिर यू बैक्टीरिया के बारे में बोलेंगे मोनोसिस्ट्रोनिक नहीं होता है उनका जो ऑपेरन होता है पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है मतलब एक ऑपेरन बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन एट ए टाइम कैरी करता है बट मोनोसिस्ट्रोनिक में क्या होगा एक आपका ऑपेरन एक ही जीन कैरी करेगा एट ए टाइम एक ही टाइप का पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस करेगा ओके नेक्स्ट आर्की बैक्टीरिया दो तरह का होता है जो कि नॉन सल्फर मीडियम में रह सकते हैं उनको बोलेंगे हम नॉन सल्फर आर्की बैक्टीरिया और सल्फर हॉट स्प्रिंग या फिर हॉट सल्फर स्प्रिंग मीडियम में रहते हैं उनको बोलेंगे हम क्या हॉट सल्फर स्प्रिंग आर्की बैक्टीरिया नॉन सल्फर मीडियम में मिथेनोजेंस एंड हालोफाइल्स ग्रो करते हैं हालोफाइल मतलब हालो मीन्स नमकदार या फिर सॉल्टी बोल सकते हो तो हालोफाइल्स फाइल मतलब लविंग तो जो सॉल्ट लविंग होते हैं उनको हालोफाइल्स बोला जाएगा और जो मिथेनोजेंस होते हैं वो क्या होगा मिथेनोजेंस में मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए इनको मिथेन ये मिथेन प्रोड्यूस करके रह पाते हैं इसीलिए यही बैक्टीरिया हम बायोगैस प्रोडक्शन में यूज करते हैं या फिर उसको बोल सकते हो क्या बायोगैस या फिर हम जो बोलते हैं एनिमल डंक गोबर गैस जिसको बोलते हैं ओके सो मिथेनो बैक्टीरिया एंड मिथेनोकोकस दीज आर द टू मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल विच आर अंडर योर नॉन सल्फर मीडियम बैक्टीरिया अगर क्वेश्चन आएगा मिथेनोजेंस आर ओब्लिगेट या फिर फैकल्टेटिव आपको आंसर लिखना है ओब्लिगेट एनारोबिक ओब्लिगेट मतलब चाहिए इनको मतलब एरोबिक में ये नहीं बच पाएंगे इनको एनारोबिक कंडीशन ही चाहिए ओब्लिगेट मतलब कंपल्सरी और फैकल्टेटिव मतलब नहीं होने से भी चलेगा मतलब एनारोब से है ये बट इनको एरोबिक कंडीशन में रखने से भी चलेगा ओके उसको बोला जाएगा सल्फर मीडियम मतलब नॉट कंपल्सरी मैम सल्फर मीडियम मतलब जहां पे सल्फर होगा सल्फर अरे सल्फर कौन था सल्फर मैंने में कौन पूछे सल्फर टा कौन कोटे कहला मैम सल्फर क्या है एलिमेंट है राइट हां एक एलिमेंट मीडियम में सल्फर नहीं होगा उसमें कौन है हां अभी हम जहाँ पे हैं अगर वहाँ जो पानी पी रहे हो वहाँ पे अगर आयोडीन है वहाँ पे सल्फर है बहुत सारे मिनरल होते हैं तो बैक्टीरिया यूजुअली कैसे रहते हैं आपका एक्वाटिक भी होते हैं नॉन एक्वाटिक भी होते हैं मतलब एक्वाटिक पानी एनवायरनमेंट में रह सकते हैं या फिर मतलब आपका जैसे बोल सकते हो ड्राई कंडीशन में भी रह सकते हैं मैं मतलब हेलोफाइल्स और मिथेनोजेंस जहाँ पे सल्फर नहीं होगा वहीं पे वो लोग होंगे वहीं पे मिलेंगे यस इसलिए नॉन सल्फर मीडियम बोला जाता है और हॉट सल्फर स्प्रिंग मतलब जहाँ पे गर्म पानी भी होगा और आप सकते हो जैसे सल्फर कंटेनिंग वाटर भी होगा वहीं पे हमें जो मिलेंगे बैक्टीरिया उनको थर्मोएसिडोफाइल्स बोला जाएगा मतलब वो हॉट बहुत गर्म पानी में भी रह सकते हैं गर्म एरिया में भी रह सकते हैं बहुत हॉट एरिया में उसके साथ एसिडोफाइल्स मतलब एसिडिक एरिया में भी रह सकते हैं ओके
एसिडोफाइल्स मतलब क्या, थर्मो एंड एसिडो मतलब हीट एंड एसिडिक लविंग एनवायरमेंट में ये रहेंगे, जैसे कि थर्मोप्लाज्मा एंड थर्मोप्रोटियस, ये दोनों टाइप के बैक्टीरिया रह सकते हैं आपके हॉट स्प्रिंग में। और ये फैकल्टेटिव एनरोब्स है, फैकल्टेटिव मतलब मैं क्या बोली, फैकल्टेटिव मतलब आपका नॉट कंपल्सरी, एनरोब मतलब ये क्या, एनरोबिक कंडीशन में भी रह सकते हैं, एरोबिक कंडीशन में भी रह सकते हैं। अभी देखो यू बैक्टीरिया मतलब वो था सारा जितना पढ़ा बस वो था प्रिमिटिव बैक्टीरिया के बारे में, मतलब आर्की बैक्टीरिया के बारे में। अभी आ गया यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब क्या है, जो कि ट्रू बैक्टीरिया हम लोग बोलते हैं। आई विल गिव यू टाइम, हम थोड़ा कुछ स्लाइड पढ़ लेते हैं, मैं फिर आपको पूछूंगी डाउट, उस टाइम में आप थोड़ा राइट डाउन आप थोड़ा लिख के रखो या फिर याद रखो, उस टाइम में मुझे एक एक करके पूछना, ठीक है। मैं तभी मैं खुद को म्यूट करूंगी, आप सबको अनम्यूट कर दूंगी, सो दैट आप पूछ सकोगे उसमें जो जो क्वेश्चन होगा। तो अभी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन पूछना। देखो यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, यू मतलब ट्रू है तो ट्रू बैक्टीरिया, या फिर हम बोल सकते हैं ये क्या यू कैरिया भी बोल, यू कैरिया अलग है, यू बैक्टीरिया अलग है और आर्किया अलग है। आर्किया जो कि पुराने बैक्टीरिया है बच्चों, यू बैक्टीरिया जो कि हमारे नए बैक्टीरिया बोलते हैं और मतलब जो प्रोकैरियोटिक में जाते हैं, और जो यू कैरिया है वो यू कैरियोटिक सेल में जाते हैं। ओके ओमनीपोटेंट मतलब हर जगह में मिलेगा, यूनिसेलुलर एक ही सेल से बना हुआ है, वेरिएबल शेप एंड मोस्टली पैथोजन, पैथोजन है ये और बहुत सारे शेप में अवेलेबल है, मतलब डिजीज कॉज करवाते हैं। अभी एक ये वाला स्लाइड में हम लोग देख लेंगे कैसे ये पैथोजन शेप एंड अरेंजमेंट। कोकस, कोकस मतलब देखो राउंडेड स्ट्रक्चर जो होगा ना बच्चों, उसको हम कोकस बोलेंगे, राउंडेड स्ट्रक्चर। दो अगर चिपक के हैं अपने साथ उसको डिप्लोकोकस बोला जाएगा, अगर तीन है उसको ट्रिप्लोकोकस, चार है टेट्रा, वैसे ही बहुत सारे हैं अगर उनको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफाइलोकोकस। ओके बहुत सारे हैं तो स्टेप्लो मतलब लंबा चेन जैसा होगा, स्टाफाइलो मतलब बहुत सारे ऐसे राउंडेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर में होंगे। अभी रॉड्स एंड बैक्टीरिया, रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसका होगा उसको बैसिलस बोला जाता है, वैसे ही मोनोबैसिलस होते हैं, डाइबैसिलस, ट्राई टेट्राबैसिलस, या फिर आप स्ट्रेप्टोबैसिलस बोल सकते हो, स्टाफाइलोकोकस जैसे हैं। ओके माइकोबैक्टीरियम देख सकते हो आप लोग, माइकोबैक्टीरिया कितना छोटा छोटा है। ऐसे ही कोरिनी बैक्टीरिया, देखो ये वाला स्ट्रक्चर कोरिनी बैक्टीरिया, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो स्पोर फॉर्मेशन करेंगे, स्टेप्टोमाइसिटीज इनका एक मोल्ड लाइक होगा, ऊपर एक डॉट या फिर एक स्पोर बियरिंग जैसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा ऊपर, उसको हम बोलेंगे स्टेप्टोमाइसिटीज। ओके नेक्स्ट आ गया आपका कर्व सेक, ऐसे कर्व्ड होके रहेगा, स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर तो स्पिरिलियम उसको बोलेंगे। विब्रियो बैक्टीरिया जो है कॉमा से बैक्टीरिया होगा, विब्रियो, विब्रियो कोलेरी, कोलेरी एक डिसेंट्री डिजीज है कि नहीं, सो वहां पे जो बैक्टीरिया रहते हैं उसको हम विब्रियो कोलेरी बोलते हैं। हाँ विब्रियो कोलेरी के कारण कोलेरा डिजीज होता है, तो कोलेरा डिजीज अगर आएगा आपका कौन से पैथोजन से होता है, आंसर विल बी योर बैक्टीरिया। वैसे ही स्पिरिला जैसे फर्स्ट वाला देखे थे, और स्पाइरोचिटी, ये सारे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है स्पाइरोचिटी भी, ये सारे बहुत सारे इनमें से डिजीज कॉजिंग भी हैं और बहुत सारे हेल्प भी करते हैं। ओके नेक्स्ट स्लाइड आपका, बेस्ड ऑन देयर शेप दे आर फॉलोइंग आपको बताइए इसी के बारे में लिखा गया है। सेल स्पेरिकल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, राउंडेड शेप कोकस, अगर रॉड शेप है तो हम बोलेंगे बैसिलस, कॉमा शेप है तो विब्रियो स्पिरिलम, और से स्टॉक शेप है तो हम बोलेंगे क्या क्याओलोबैक्टर, और बडिंग दे हैव स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर, बर्ड देख पा रहे हो यहाँ पे स्वेलिंग लाइक बर्ड, और स्टॉक मतलब नीचे एक उसका क्या पकड़ने के लिए जैसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है तो उसको बोलेंगे काउलोबैक्टर। ओके वैसे ही और एक इम्पोर्टेंट है यू बैक्टीरिया में, और एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, अगर हमारा बैक्टीरिया में फ्लाजेला प्रेजेंट है तो प्रेजेंट एंड एब्सेंस के हिसाब से हम नामकरण कैसे कर सकते हैं या फिर नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। मोनोट्राइकस अगर सिंगल फ्लाजेला है, एम्फीट्राइकस अगर दो मतलब दो अपोजिट पोल में एक एक फ्लाजेला है, दो ही है तो एम्फी या दोनों तरफ होंगे। लोफो एक ही जगह में होगा या फिर एक डायरेक्शन में होगा, बहुत सारे होगा लोफोट्राइकस। सेफालोट्राइकस बहुत सारे होंगे, दो दो पोल में एक साथ बहुत सारे होंगे। पेरिट्राइकस अगर पूरा बॉडी में फ्लाजेला है तो पेरिट्राइकस बोलेंगे, एंड आर्ट्राइकस बोलेंगे अगर एक भी फ्लाजेला नहीं है सेल में तो आर्ट्राइकस बोलेंगे। ओके नो फ्लाजेला आर्ट्राइकस, मोनोट्राइकस सिंगल फ्लाजेला, एम्फीट्राइकस एट ईच साइड,
डेनलोफोट्राइकस क्या बोलोगे, ग्रुप ऑफ फ्लाजेला प्रेजेंट एट वन एंड, सेफालोट्राइकस टू टफ ऑफ ग्रुप, देन पेरिट्राइकस फ्लाजेला थ्रू आउट द सेल। ओके, यहाँ तक पढ़ा था हमने लास्ट क्लास। तो आप लोग जो आज के लिए नए हो, थोड़ा रिविजन हो गया, जैसे दुर्गा भी आपका नहीं था और ये भी नहीं थी, इप्सिता भी नहीं था, देवी राइट, और कौन कौन नहीं थे, गिरिजा हाँ लास्ट क्लास गिरिजा, मृत्युंजय भी था, रुद्र नहीं था, सीमा थी, सोनाली, सुब्रम ज्योति भी था। ओके, तो एनीवे आप लोग का थोड़ा रिवाइज हो गया होगा, अभी अभी पूछो कुछ डाउट है तो, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे हम। कार्बन को लेकिन मिथेन प्रोड्यूस करे ता बॉडी भीतरे तार जोड़ा थाउची कार्बन डाइऑक्साइड नंबर से। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को नबो हाँ नहीं से मिथेन प्रोडक्शन करिबो, मोनोक्साइड डाइऑक्साइड नहीं से मिथेन प्रोडक्शन करिबो। मैम तापर हमे जानछंती से ठीक कोहा छ कि से काउ डंग हमे पढिबा, हमे मिथेन मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया विषय रे डिटेल रे पढिबा, कोठी जानिछ जेतबेले माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढिबा सेतबेले पढिबा केमति तुमरो बायोगैस प्रोडक्शन होछ डिटेल रे सेटा अछि तुमरो सिलेबस। मैम मैम मु खाली एति कहूछि कि आउ कोन क्वेश्चन काउ से जो काउ डंग रु मिथेन प्रोड्यूस करबो, जदी से काउ डंग रु मिथेन प्रोड्यूस कर पारछ माने आउटर एनवायरनमेंट रे, ताल से ऑब्लिगेट पैरासाइट केमती हे परबो, ऑब्लिगेट अर्थ कोन कहू ना मैम, पूरा एसेंशियल इंग्रेडिएंट से माने गोटे होस्ट बॉडी को न धरले से माने बंची नि परबो नि। ओब्लिगेट माने से अर्थ नहे होस्ट दरकार बोली नहे, ओब्लिगेट रो अर्थ ना कंप्लीट माने कोन कंपलसरी, यदि से कुछ एरोबिक माने से एयर दरकारी दरकार माने ऑक्सीजन दरकारी दरकार, यदि एनरोब को जे ता माने ऑक्सीजन बिल्कुल दरकार नै, बिना एयर रे से माने बंची परिबे, एटा तुम्हारा ऑक्सीजन एब्सेंस या फिर प्रेजेंस को नै करे हमें ओब्लिगेट ऑफ फैकल्टेटिव कहि थाउ। ओके मींस डोमोरन म्यूरिन माने कौन, म्यूरिन इज अ केमिकल, म्यूरिन इज अ केमिकल मटेरियल व्हिच इज अ कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल रे जदी म्यूरिन अछि ताले हमें म्यूरिन कहि परिबा, आ जदी नाही ताले नाही बोली कहिबा। आसीबा ताले ग्राम प्रोसेसिंग को, कोन ग्राम पॉजिटिव कोन ग्राम नेगेटिव, क्रिश्चियन ग्राम, क्रिश्चियन डी ग्राम गोटे साइंटिस्ट थिले पिले जे कि तुमरो ए ग्राम स्टेनिंग डेवलप करथिले, स्टेनिंग रा अर्थ होचे कलरिंग। ओके, स्टेनिंग का मतलब क्या है, कलरिंग है स्टेनिंग का मतलब। तो अगर हम स्टेनिंग देते हैं, कलरिंग देते हैं और बैक्टीरियल सेल वॉल ऑब्जर्व कर लेता है कलर को, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रहा है, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम को, ग्राम जो साइंटिस्ट थे उनके नाम से ही ये ग्राम स्टेनिंग आया है। तो अगर ग्राम जो स्टेनिंग दिए थे वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता है तो ग्राम नेगेटिव है, और अगर ऑब्जर्व कर लेता है तो क्या है, ग्राम पॉजिटिव है। सो डेवलप ए टेक्निक टू स्टेन बैक्टीरियल सेल। अभी बैक्टीरिया तो दो तरह के हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम को ये पता चला कि बैक्टीरिया दो तरह के हैं, तो उन्होंने एक टेक्निक डेवलप किया जिससे हमें पता चलेगा कौन सा वाला ग्राम पॉजिटिव है एंड कौन सा वाला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो अगर बैक्टीरिया को हम लेते हैं क्रिस्टल वायलेट सॉल्यूशन में देते हैं तो क्या होगा बच्चों, क्रिस्टल वायलेट कौन सा कलर देगा आपका वायलेट, या फिर ब्लू कलर करवा देगा राइट। तो अभी बैक्टीरिया टर्न हो गए ब्लू कलर में, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ब्लू बैक्टीरिया को लेके आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे, दैट इज 0.5%, और फिर अल्कोहल में धो डालेंगे। तो अभी क्या होगा, अभी जो बैक्टीरिया ऑब्जर्व किया होगा कलर, वो तो दिखाएगा कलर, मतलब वो पॉजिटिव, वो नहीं धुल पाएगा, धुलने से भी ज्यादा नहीं धुलेगा, एक्स्ट्रा चीजें बस धुल जाएगी, बाकी स्टेनिंग तो रह जाएगा, और जो ऑब्जर्व नहीं किया है वो तो पूरा ही व्हाइट हो जाएगा ना, सफेद हो जाएगा। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव अभी हमने डिस्टिंग्विश कर दिया। अभी ग्राम नेगेटिव को भी देखने के लिए क्या करेंगे, हम काउंटर स्टेनिंग एक देंगे जो कि ग्राम नेगेटिव विजिबल होगा, सैफ्रोनिन दे सकते हैं उस जगह में, और अगर सैफ्रोनिन देंगे तो क्या होगा, पिंक कलर आ जाएगा आपका। सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ब्लू कलर होंगे एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होंगे पिंक कलर होंगे आफ्टर काउंटर स्टेनिंग। बट अगर आपको पूछा जाएगा कि क्रिस्टल वॉलेट देने के बाद कौन
सा बैक्टीरिया कौन सा कलर दिखेगा, तो आपको बोलना है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑब्जर्व करेगा और वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो क्या वायलेट कलर में, और अगर ऑब्जर्व नहीं करता है तो व्हाइट कलर रहेगा। तो उसको फिर से हमें देखने के लिए क्या देना पड़ेगा, सैफ्रनिन देना पड़ेगा, जिसको काउंटर स्टेनिंग बोला जाता है, मतलब स्टेनिंग को काउंटर करके या फिर अलग से हमें फिर से उसे एक स्टेन देना पड़ा, क्योंकि पहला वाला स्टेन लिया नहीं उसने, इसलिए वो पिंक कलर लाइट कलर दिखेगा। तो अभी ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो लैब में। इनका कुछ इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जिसके बेसिस में हम डिस्टिंग्विश कर सकेंगे कि ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है। तो ग्राम पॉजिटिव में आपका बैक्टीरिया रिटेन अ ब्लू और पर्पल कलर आफ्टर ग्राम स्टेनिंग, तो उसके कारण हम बोल सकते हैं ये ग्राम पॉजिटिव है क्योंकि स्टेनिंग को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। और ग्राम नेगेटिव किसको बोलेंगे, बैक्टीरिया डोंट रिटेन एनी कलर, कुछ भी अगर कलर नहीं रखते उस केस में ग्राम उसको नेगेटिव बोला जाएगा। देन ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल इज स्मूथ एंड इज 20-80% नैनोमीटर थिक, ओके थिक होता है बच्चों। बट अभी सेल वॉल जो ग्राम नेगेटिव का है वो थिन है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ होगा कि थिक है थिन है, फिर थिक वाला कैसे ले लिया, थिन वाला ले कैसे नहीं पाया। आप अभी उडन का एक बहुत मोटा सा वाल बनाओगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, या फिर आप लोहे का एक पतला सा सीट जैसा बना दोगे वो स्ट्रांग रहेगा, बताओ लोहा या फिर आयरन एंड वुड से कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है? आयरन। आयरन तो आयरन का पतला शीट भी जितना इफेक्टिव है, ये वुड का बहुत सारा लेयर वाला शीट भी उतना नहीं हो पाता है। समझ में आया यहाँ पे अभी? सो सेल वॉल इसका स्मूथ है एंड इसका क्या है थिक है ज्यादा, तो ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है स्मूथ होने के कारण, और इसका हेवी है वेवी है, और इसका क्या है कम पतला है, फिर भी इसका ज्यादा इफेक्टिव है ग्राम नेगेटिव में। यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, देखो क्वेश्चन आएगा ग्राम नेगेटिव या फिर ग्राम पॉजिटिव कहाँ पे आपको वेवी एंड थिक सेल वॉल मिलेगा, वेवी एंड थिन सेल वॉल मिलेगा, तो आपका आंसर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ओके। और कहाँ पे आपको थिक सेल वॉल मिलेगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अभी म्यूरिन यहाँ पे जो होता है बच्चों, म्यूरिन क्या बोले एक मेटल होता है, म्यूरिन जो सेल वॉल में होता है आपका, सो म्यूरिन कंटेंट 70-80% म्यूरिन यहाँ पे जो कंटेंट होता है सेल वॉल का 70-80% होता है, फैट कम होता है इसमें, बट यहाँ पे जो म्यूरिन है बहुत कम रहेगा बट लिपिड कंटेंट ज्यादा रहेगा, ओके। सो म्यूरिन का वैसे कुछ ज्यादा काम नहीं है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, इसलिए चलता है ग्राम नेगेटिव में कम है बट इसमें लिपिड कंटेंट बहुत ज्यादा है। देन एक आया टेइकोइक एसिड, दिस इज आल्सो ए केमिकल जो कि होता है आपका सेल वॉल में, किसका सेल वॉल में, ग्राम पॉजिटिव, और टेइकोइक एसिड एब्सेंट होता है ग्राम नेगेटिव। ये जो जो पॉइंट दिया गया है इसको अच्छे से पढ़ के याद रखना है, ईच एंड एवरी पॉइंट से आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है ये पर्टिकुलर स्लाइड से। पूछेगा टेइकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में पाया जाता है या ग्राम नेगेटिव में पाया जाता है, या फिर पूछेगा इसमें से कौन सा ग्राम नेगेटिव में आपको नहीं मिलेगा, वहां पर टेइकोइक एसिड होगा ऑप्शन में, अगर आपको याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे वहां पे। समझ में आ रहा है? देन मेसोसोम आर प्रोमिनेंट, मेसोसोम क्या बोली थी, मेम्ब्रेन का फोल्डिंग है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोल्डिंग है, ओके, जो कि पाया जाता है कहाँ पे आपका ग्राम पॉजिटिव में, और ग्राम नेगेटिव में प्रोमिनेंट मतलब इतना अच्छे से नहीं है वो। देन ससेप्टिबल टू एंटीबॉडीज, सॉरी एंटीबायोटिक ससेप्टिबल एंड ये रेजिस्टेबल, मतलब क्या है एंटीबायोटिक को ये रेजिस्टेंट नहीं कर पाए, यहाँ से आपको क्या पता चलता है ये इतना पाथोजेनिक नहीं है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और लार्ज पाथोजेनिक, ओके, उतना डिजीज कॉजिंग नहीं है या फिर हमारे लिए उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है, तो मोस्टली नॉन पाथोजेनिक एंड ये एंटीबॉडी को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, मर जाएगा तुरंत से। बट नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है बहुत पावरफुल होता है, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक एंड मोस्टली पैथोजेनिक। समझ में आया या फिर यहाँ पे कुछ डाउट है तो पूछो। देखो ये ग्राम नेगेटिव है, ये ग्राम पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या क्या लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन है देखो, इनर मेम्ब्रेन है, लिपोप्रोटीन लेयर एक ही लेयर है, यहाँ पे बोली थी लिपिड का ज्यादा लेयर है, देखो ज्यादा लेयर है, ओके। देन पेरी
प्लाज्मिक स्पेस है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। ये है पूरी मतलब पोर्स है जो कि देख के जा पाएगा अंदर, और यहाँ पे प्रोटीन से कुछ कुछ और लिपोपॉलीसेकेराइड से। तो ग्राम नेगेटिव क्या है बच्चों, मैं बोली थी ना ग्राम नेगेटिव थिन होता है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ग्राम पॉजिटिव क्या है, बहुत सारे लेयर से बना होता है बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अभी ग्राम नेगेटिव में देखो बाहर भी एक वॉल है, अंदर भी एक है, मतलब मेम्ब्रेन, इसका बाहर मेम्ब्रेन नहीं है अंदर ही मेम्ब्रेन है, इसलिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। खत्म, ये वाला स्लाइड आपका खत्म, फिर चलते हैं नेक्स्ट में। नो डाउट? नो मैम। मैम आपने बायोटेक्नोलॉजी, मैम आपने बायोटेक्नोलॉजी किया है मैम? यस मैम। उसमें क्या पढ़ा जाता है? उसमें आपका बहुत सारे होते हैं पेपर, जैसे कि जूलॉजी का होता है, बॉटनी का होता है, एंड उसमें इम्यूनोलॉजी का होता है, और आपके बहुत अप्लाइड ब्रांचेस बहुत होते हैं उसमें, बहुत सारा चीजों को लेके पढ़ाया जाता है। बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं और आपका एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़ाया जाता है। मतलब अभी आप जो छोटे छोटे चैप्टर में पढ़ रहे हो उसका एक एक पेपर होता है, जेनेटिक्स एक पेपर है पूरा, तो जेनेटिक्स इवोल्यूशन के बारे में पूरा पेपर पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल साइंस एक पूरा पूरा अलग सा पेपर होता है उसमें, तो जो 3 इयर्स होता है 3 इयर्स में बहुत सारे साइड पेपर होता है जो कि कवर करना पड़ता है हमें। फिर मास्टर्स में उसमें से आपको एक स्पेशलाइजेशन लेके करना पड़ता है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। अपॉर्चुनिटी ज्यादा है अगर आपको रिसर्च लाइन में इंटरेस्ट है, मतलब जैसे कि आप जैसे कि आगे जाके पीएचडी करना चाहते हो या फिर किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक लेके रिसर्च करना चाहते हो बायोलॉजी का, तो आप बायोटेक करना सजेस्टेबल होगा। अगर आपको रिसर्च ओरिएंटेड आप नहीं हो, आपको रिसर्च में ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं है, देन डोंट गो विद बायोटेक। आप नॉर्मल अगर बॉटनी या जूलॉजी लेके करते हो देन ज्यादा इफेक्टिव रहे। मतलब प्लेसमेंट में मतलब कहाँ प्लेसमेंट कहाँ मिल सकता है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी अगर प्लेसमेंट? देखो अभी आज के डेट में मैं बोलूंगी प्लेसमेंट हर जगह में है और कहीं पे भी नहीं है। आप अगर जो भी पढ़ाई कर रहे हो बहुत अच्छे से करते हो तो आपका प्लेसमेंट तो पक्का ही है, समझ रहे हो? और अगर आप एवरेज ले जाते हो तो भी आप खुद के मतलब मेहनत से मिल जाएगा आपको कुछ, बट अगर आप नहीं पढ़ाई करते हो अच्छे से, आप बिलो एवरेज जाते हो तो कहीं पे भी आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है? मैं जब बायोटेक की थी अभी 10 साल हो गया पूरा, 2010 एंड अभी 20, तो 10 ईयर्स में बहुत सारी चीजें चेंजेस हो गए हैं। हमारे टाइम में इतना प्लेसमेंट नहीं था, बस 3-4 कंपनी आता था, जैसे कि आपको पता होगा अगर थायरो केयर है कंपनी जो कि चेन्नई बेस्ड कंपनी है, वहां पे प्लेसमेंट हुआ था। बैंगलोर बेस्ड कंपनी जैसे कि सिप्ला और बहुत सारे कंपनी में ऐसे 2-3 कंपनी ही आए थे, बट उस टाइम में क्या होता था प्लेसमेंट के लिए ना, मतलब ऐसा होता है कि कंपनी चूज करके जाएगा, फिर अगर वैकेंसी है तो लेता था, नहीं लेता था तो एक चीजें, ये बहुत सारा चीजें चलता था कॉलेजेस में, बस ऐसे दिखाने के लिए कि प्लेसमेंट आता है एडमिशन करवाओ, ऐसे के लिए भी जैसे कि कॉलेजेस करवा देते थे। बट आज का सीन थोड़ा अलग है, अभी थोड़ा अच्छा वाला प्लेसमेंट आता है, और बट ओडिशा में उतना ज्यादा कुछ है नहीं। तो अगर आप बायोटेक जैसे अप्लाइड ब्रांचेस लेते हो देन यू हैव टू मूव आउट ऑफ ओडिशा फॉर प्लेसमेंट, ये सही बात है। ओडिशा में इतना ज्यादा कंपनीज अभी भी नहीं है, आप देखोगे तो कितना ज्यादा प्रोडक्शन फैक्टर कितना ज्यादा है। सोचो अभी एक यहाँ पे पटिया के पास एक पटिया तो नहीं वो बीडीए के पास एक होमफेड है, और जैसे कि मिल्क डेयरी कंपनी 2-4 डेयरी फार्म है, और बोल सकते हो आप ब्रिटानिया है, कोका कोला है, ऐसे गिने चुने कंपनियां हैं। ओके आपका फार्मास्यूटिकल्स भी यहाँ पे उतना नहीं है, बट अगर बायोटेक करते हो आप तो आपको फार्मास्यूटिकल्स में भी जॉब मिलता है, जैसे कि मेडिसिन का मार्केटिंग हो या फिर मेडिसिन आप अगर क्वालिटी कंट्रोल में रहते हो, मेडिसिन का चेकिंग वहाँ पे बनाना ये सब में भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी रह सकते हो। बट जहाँ पे ज्यादा कंपनी है वहाँ पे ज्यादा प्लेसमेंट मिलेगा, राइट? हाँ इसमें मतलब वो देख के ही आप आगे का ब्रांच चूज करो। मतलब बाहर का स्टेट के लिए मैं मतलब ओडिशा के लिए ठीक नहीं है, बाहर का स्टेट जा सकते हैं तो अच्छा वहाँ पे होगा। बाहर स्टेट में अच्छा है, यस चेन्नई में उस बाहर भी जाके पढ़ते हो तभी अच्छा है।
उड़ीसा में अभी नए नए बहुत सारी कंपनियां खुल रहे हैं या फिर प्लानिंग होगा, बट इतना ज्यादा नहीं है। आप यहाँ पे रहोगे तो रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे आपको, मतलब जितने हमारे यहाँ पे जितने सारे हैं रिसर्च सेंटर वहां पे ही अप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा कंपनी नहीं है यहाँ पे। ओके, बट अगर बाहर जाते हो तो ज्यादा कंपनी मिलेगा। और बायोटेक एक ऐसा ब्रांच है जो कि आप सिर्फ बायोटेक करके ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, आपको उसके आगे जाके पीएचडी करना पड़ेगा, ठीक है ना। पीएचडी करोगे, अच्छा पेपर लिखोगे, तभी आपका वैल्यू बढ़ेगा। मैम समझ आ गया, समझ में आ गया मैम। नहीं इतना छोटा नहीं है कि इतना 5 मिनट में समझ में आ जाए, बहुत सारी चीजें हैं। आप धीरे धीरे पढ़ो, कभी कभी हम काउंसलिंग सेशन रखेंगे तो सब तभी समझाएंगे क्या क्या चीजें आपसे बेटर हमको कोई पता भी नहीं पाएगा। आपसे बेटर हमको कोई आप 10-15 साल पढ़ चुके हैं तो सब एक्सपीरियंस आपको होगा। हाँ पढ़ी हो करके बता सकती हूँ, बट बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं जो कि आपको बता पाएंगे बहुत सारी चीजों के बारे में। मैम जो मतलब अभी हम कांटेक्ट में नहीं है ना, जो लोग वो लाइन में हैं तो आप मतलब आप ही अभी मतलब और कोई नहीं है इसलिए। ओके ठीक है, कभी डाउट हुआ तो कुछ पूछ लेना, ठीक है। ऐसे ही 5-10 मिनट हम बात कर सकते हैं बीच में। ओके तो देखते हैं, अभी हमने आर्की बैक्टीरिया बारे में देखा, ग्राम स्पिनिंग के बारे में भी देखा, अभी देखेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया मतलब फाइनली हम लोग आगे ट्रू बैक्टीरिया जो अभी देखते हैं हम, बहुत सारे मतलब इवोल्यूशन में बहुत लेट में ये सब प्रोडक्शन हुए हैं, ट्रू बैक्टीरिया इनको बोलेंगे हम। तो बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा साइनोबैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसिटीज, तो इतने को हम लोग क्या बोलते हैं यू बैक्टीरिया में लेते हैं। ये इतने ये चारों तुम्हारे सिलेबस में है। अभी थोड़ा मैं आपका ले लेती हूँ एटेंडेंस, अदरवाइज मैं भूल जाऊंगी। देख लो तब तक थोड़ा देख लो क्या क्या है। आज डेमो कौन 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 कर रहा है? आज डेमो आज नए कौन हो बच्चे हो तुम्हारे में से? मैं हूँ। अभिनाश? मैं हूँ मैम। अच्छा हाँ अभिनाश, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। ये पूरा नया चैप्टर हमने शुरू किया है। ओके वर्षा तो अमर पूर्ण छुआ, ब्रजेश्वर भी लास्ट क्लास थी, ललित अमर पूर्ण छुआ, भाग्यश्री, ऋचा, रुद्र, नारायण, साहिल, साहिल भी लास्ट क्लास थी, संकेतिका। ओके और कोई? भार्गवी मिश्रा। ओके यस सर। अच्छा भार्गवी एंड अविनाश वेलकम आज के सेशन में आपका। तो समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। ओके कहीं पे भी डाउट होता है तो पूछो, देखो सब बात कर रहे हैं सब पूछ रहे हैं, तो कोई वैसा नहीं है कि नहीं पूछना है क्या डर लगेगा, डर बिल्कुल भी नहीं है। और आप लोग जितना डाउट पूछोगे उतना ही क्लियर होते जाओगे। एक ईयर आपका, 1 ईयर आप लोग क्या कर रहे हो इसको सोचो कि यूटिलाइज कर रहे हो, वेस्ट हो गया वैसे मत सोचो, यूटिलाइज कर रहे हो वैसे ही सोचो और पूरा अच्छे से पढ़ो। जो जो भी डाउट है लास्ट को सेशन में मैं कुछ स्लाइड के बाद टाइम देती हूँ तभी पूछो जो भी डाउट है। ओके अविनाश एंड भाग्यश्री। अच्छा भार्गवी बहुत बढ़िया नाम, ओडिया चाहिए भी पचारि पारिबो जेहेतु तुम्हार कि फ्रेंड अच्छा जो मैंने कि ओडिया बुझी पारंती कि सेतिपई सेशन हिंदी रे होची, अदरवाइज तुमको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल इंग्लिश हिंदी ओडिया मते ही तीनटा आसुची, सो ही तीनटा लैंग्वेज भीतर जो थे भी पचारि पारिबो हला। यस सर। चला मैं अभी हम लोग क्या देखेंगे, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे जो कि यू बैक्टीरिया है या फिर ट्रू बैक्टीरिया हम लोग बोलते हैं। हाँ क्या क्या है उसमें, क्या क्या होता है देख लो बच्चों। सेल एनवेलप होता है मतलब बाहर का एनवेलप। सेल एनवेलप में फिर तीन चीजें होता है, एक तो होता है आपको ग्लाइकोकैलिक्स, फिर आएगा आपका सेल वॉल, फिर आएगा अंदर सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद आएगा अंदर जो पानी, पानी मतलब क्या साइटोप्लाज्म बोलेंगे हम लोग, फिर वहां पे तैरते हुए एक क्या जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड जिसको बोलते हैं, और इसमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोमल मटेरियल है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। फिर आ गया बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकल के कुछ स्ट्रक्चर जिसको हम फ्लैजेला बोलेंगे जो कि हेल्प करेगा बैक्टीरिया को मूव के लिए। देन पिली एंड फिम्ब्री, पिली का काम होता है रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, जैसे कि कंजुगेशन के टाइम में ये पिली जो है हेल्प करता है, और आ गया फिम्ब्री, फिम्ब्री क्या करेगा कहीं पे चिपकने में हेल्प करेगा बैक्टीरिया को। सो दिस आर द
क्या बोल सकते हो कॉम्पोनेंट ऑफ ए बैक्टीरिया, जो कि मैं आपको एक एक लाइन में बताई, अभी हम लोग डिटेल में इसको देखेंगे। आउटर कवरिंग, अभी बताई कि नहीं, तीन कवरिंग होता है, एक तो ग्लाइकोकैलिक्स होता है और एक सेल वॉल होता है और अंदर पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो थ्री कॉम्पोनेंट में जो ग्लाइकोकैलिक्स है बच्चों, वो आउटर मोस्ट नॉन सेलुलोजिक, मतलब सेलुलोज से नहीं बना बना होता है, बट पॉलीसैकेराइड होता है एंड उसमें कभी कभी प्रोटीन होता भी है, होता भी नहीं है। इट इज लूज कवरिंग एंड कॉल्ड स्लाइम लेयर, स्मूथ है, लूज है, तो उसको ग्लाइकोकैलिक्स अगेन ऑफ टू टाइप। सो अगर आपको पूछेगा कि ग्लाइकोकैलिक्स अगर स्मूथ है एंड आपका लूज है तो आप लोग क्या बोलोगे, उसको स्लाइम लेयर बोलोगे, और अगर हार्ड है और टफ है पूछेगा तो क्या बोलोगे उसको, कैप्सूल बोलोगे। जो बच्चों पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि हमने देखा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पैथोजेनिक होता है यूजुअली ज्यादा, ऐसा नहीं कि ग्राम पॉजिटिव बिल्कुल पैथोजेनिक नहीं होते, ये भी होते हैं, बट मोस्टली पैथोजेनिक कौन होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो अगर पूछेगा पैथोजेनिक बैक्टीरिया का ग्लाइकोकैलिक्स किस तरह का होता है, स्लाइम लेयर या कैप्सूल टाइप, कैप्सूल टाइप होता है। देखो जो चोर होता है वो हमेशा अपने ऊपर एक कवरिंग रखने का कोशिश करेगा, और वो कवरिंग जो होगा वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट। तो इसलिए जो ग्राम नेगेटिव है या फिर पैथोजेनिक है वो अपने ऊपर एक कैप्सूल रखेगा और ग्लाइकोकैलिक्स को स्ट्रॉन्ग बना देगा, तो उसके अंदर देखिए क्या हम उसको मार नहीं सकेंगे, खराब से खराब एनवायरमेंट में भी वो आपको खुद को सर्वाइव करवा पाएगा। प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, सो ग्लाइकोकैलिक्स यूजुअली किसके लिए होता है, इसलिए प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को। देखो ये ग्लाइकोकैलिक्स का स्ट्रक्चर है, ये रहा पेप्टिडोग्लाइकन, ये है आउटर, ये पेरिप्लाज्म, ये मेम्ब्रेन, दिस इज योर पेप्टिडोग्लाइकन, ये है सेल वॉल का आपका, और इसके बाहर जो होता है बच्चों यहाँ पे होता है ग्लाइकोकैलिक्स। होप यू ऑल आर क्लियर। देन देखेंगे सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। अगर क्वेश्चन आएगा सेल वॉल बैक्टीरिया का किस मटेरियल से बना होता है, तो आपका आंसर होगा पेप्टिडोग्लाइकन। तो पेप्टिडोग्लाइकन से ही बना होता है आपका सेल वॉल। सो रिजिड सेल वॉल इसका कैसा होता है, रिजिड होता है, सॉलिड कवरिंग है, प्रोटेक्ट करता है किस चीज से, रस्टिंग मतलब फट जाने, फट जाएगा अगर ज्यादा पानी सेल के अंदर घुसता है तो सेल क्या होने का चांसेस है बच्चों, फटने का चांसेस है। तो इस तरह की चीजों से सेल वॉल जो है बैक्टीरिया को क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा। पेप्टिडोग्लाइकन होता है, पेप्टिडोग्लाइकन चेन जो होता है दो तरह का होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, म्यूरेन अभी हमने पढ़ा है, तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड म्यूरामिक एसिड, नाम एंड नाग, ये दोनों रिपीटिंग यूनिट, नाम एंड नाग क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है एक तरह का, तो रिपीटिंग यूनिट से बना होता है आपका पेप्टिडोग्लाइकन जो कि बैक्टीरिया का सेल वॉल है। तो यहाँ से आपका क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, देखो क्वेश्चन आएगा सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ डैश, तो पेप्टिडोग्लाइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका पेप्टिडोग्लाइकन चेन इज मेड अप ऑफ रिपीटेड यूनिट ऑफ डैश, नाम एंड नाग, तो जिस ऑप्शन में नाम एंड नाग होगा उसको आपको टिक करना है। देन आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब चीजों को देख के या फिर चूज करके अंदर डालेगा। इट इज मेटाबोलिकली एक्टिव इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में बहुत एक्टिव रहता है। इट टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन, किस किस चीज कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेस्पिरेशन, क्यों पता है, क्योंकि मैं बोली थी थोड़ी देर पहले मेजोजोम्स के बारे में, याद है। तो मेजोजोम जो होता है वो एक्चुअली में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है रेस्पिरेशन के लिए, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या है आपका, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन है, जो कि हमें नहीं मिलेगा किसमें, बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में। तो वहां पे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद को फोल्ड करके, स्ट्रक्चर में चलते हैं तो समझ में आएगा, देखो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद को फोल्ड करके ऐसे स्ट्रक्चर कुछ देता है, तो जिसको कि हम बोलते हैं मेसोजोम्स, एंड दिस मेसोजोम इज सिनोनिमस टू योर माइटोकॉन्ड्रिया। ओके देखो ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड होके बनाता है मेसोजोम, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ क्या है,
समान है या फिर इक्वल है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही रेस्पिरेशन में हेल्प करता है यूकेरोटिक सेल में, वैसे ही मेसोजोम प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसलिए मेसोजोम्स को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया या फिर कॉन्ड्रियोइड भी बोला जाता है। ओके, होपफुली दिस पोर्शन इज क्लियर टू यू। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. तो इट टेक पार्ट इन द रेस्पिरेशन एंड और भी क्या करता है बच्चों, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करेगा। और क्या करेगा? सेल वॉल कंपोनेंट। तो सेल वॉल कंपोनेंट बनाने में एंड रेस्पिरेशन के लिए मेसोजोम बनाने में एंड लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करेगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आपका स्लाइड में बनाई हूँ उसमें सारे पॉइंट्स रिलेटेड एंड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस है, जो कि कवर करता है आपका मेडिकल एंड ओयोटी पोर्शन। मतलब यहाँ से एक एक सेंटेंस को लेके आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो इसलिए कोई भी स्टेटमेंट को आपको छोड़ना नहीं है। दिया गया है मतलब इम्पोर्टेंट ही है और उसको आपको याद भी रखना है। उस तरह से ही पढ़ो, जब भी पढ़ते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे चार सेंटेंस लिखा गया सिलेक्टिवली परमिएबल। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज योर सिलेक्टिवली परमिएबल, फुल्ली परमिएबल और ऑल ऑफ दिस नॉन ऑफ दिस, तो आंसर क्या होगा आपका सिलेक्टिवली परमिएबल। वैसे ही आपका पूछेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन टेक्स पार्ट इन डैश डैश डैश, तो वहां पे आपका ऑप्शन में कॉम्बिनेशन करके दिया होगा रेस्पिरेशन सर्कुलेशन न्यूट्रिशन या फिर रेस्पिरेशन सिंथेसिस ऑफ लिपिड देन सेल वॉल कंपोनेंट देन आपका देगा रेस्पिरेशन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, दूसरा दूसरा भी ऑप्शन डाल देगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, रेस्पिरेशन सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड सेल वॉल कंपोनेंट। वहीं पे अगर आप ये चीज अच्छे से याद नहीं करके जाओगे तो छूट जाएगा आपका एक क्वेश्चन। ओके, स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। अभी पहले रह गया आपका क्या, कैप्सूल हम बोले ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद आया पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन के बाद आया आपका क्या, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल बोली, उसके बाद आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दोनों के बीच में बच्चों क्या होता है, थोड़ा आपका स्पेस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वही चीज, बहुत इजी है, बस आपको एक दो बार कॉन्सेंट्रेशन देके पढ़ना है, समझना है। एक बार समझ गए फिर से जाके एक बार पढ़ लो, आ जाएगा पूरा। देखो पूरा आउटर मेम्ब्रेन है बच्चों, ये पेरिप्लाज्म है, ये मेम्ब्रेन है, ये पेप्टिडोग्लाइकन बीच वाला सेल वॉल है, पूरा बाहर वाला क्या है कैप्सूल बोल सकते हो, कैप्सूल या फिर ग्लाइकोकैलिक्स जो भी बोलना है बोलो। अगर वो टफ है तो कैप्सूल, अगर स्मूथ है तो हम क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर। उसके बाद आया सेल वॉल जो कि पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है, उसके पूरा अंदर वाला आ गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी साइटोप्लाज्म में हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर एब्सेंट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड सबवैक्यूल आर एब्सेंट। सबवैक्यूल नहीं होता है बच्चों, यहाँ पे वैक्यूल होता है बट दूसरा टाइप का वैक्यूल है, जो कि यूकैरियोटिक सेल में वैक्यूल होता है जैसे, यहाँ पे उस टाइप का वैक्यूल नहीं होता है, गैस वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, उसको हम वैक्यूल बोलना ठीक नहीं होगा, गैस बॉडी बस जैसे वैक्यूल जैसा काम करता है वैसे ही करता है, करके हमने वैक्यूल नाम दिया है। बट हमें पता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता है एंड वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। उसका मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, वैक्यूल का मेम्ब्रेन जो होता है क्या बोला जाता है उसको, कौन बता पाएगा, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोला जाता है। सेल चैप्टर जो सब किए हो सब कोड़ी की खाई गलो नहीं, पढ़ा हो नहीं आओ राइट, फिर से जाके सेल चैप्टर पढ़ो। तो मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। और वैक्यूल कहाँ पे ज्यादा होता है, यूजुअली बहुत बड़ा सा वैक्यूल हमें मिलता है प्लांट सेल में, जो जिसको हम सैप वैक्यूल बोलते हैं। ओके, एनिमल सेल में दो एब्सेंट बट समटाइम इट इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड बहुत सारे नंबर में होता है, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है, एनिमल में बड़ा सा वैक्यूल नहीं होता है। देन और भी कॉम्पोनेंट होता है साइटोप्लाज्म में, तैरते रहते हैं मेसोजोम्स राइबोसोम्स एंड क्रोमाटोफोर्स। बच्चों राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि मेम्ब्रेन लेस है, इसीलिए वो हमें प्रोकैरियोटिक में भी मिलेगा यूकैरियोटिक में भी मिलेगा बट उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो होगा वो अलग होगा। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में 80s होता है एंड प्रोकैरियोटिक सेल में 70s राइबोसोम हमें हम लोग पाते हैं या फिर पाया जाता है। ओके, देन आ गया मेसोजोम के बारे में देखते हैं। तो
फॉर्म ड्यू टू इनवर्ड मतलब अंदर फोल्ड होने के कारण, किस चीज का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर फोल्ड होने के कारण मेसोसोम बनते हैं. कंसिस्ट ऑफ वेसिकल्स ट्यूबल्स एंड लैमेला. किस किस चीज को लेके बनता है ये? वेसिकल्स ट्यूबल्स एंड लैमेला को लेके बनता है. देन बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर क्या क्या है? और सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोइड है, वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है, क्रोमोसोम्स है, मेसोसोम्स एंड प्लाजेला है. ओवरऑल यहाँ पे लिखा गया आपका. अभी देखो यहाँ पे जो येलो कलर स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो बच्चों, वही तो है आपका मेसोसोम्स. ये तो मेसोसोम किस चीज के लिए हेल्प करेगा बच्चों? ओके, रेस्पिरेशन के लिए मेसोसोम हेल्प करता है. राइबोसोम स्मॉल मेम्ब्रेन लेस नहीं होता इनका मेम्ब्रेन. राइबो क्या लेके बने होते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, मतलब ये लेते हैं आपका राइबोसोम. आरएनए भी होता है, प्रोटीन्स भी होता है. और यहाँ पे जो हम राइबोसोम हमें मिलेगा वो 70S टाइप होता है. इट इज अ टू टाइप, फ्री राइबोसोम कुछ जो कि साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं, और एक फिक्स्ड राइबोसोम जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ चिपक के रहते हैं. तो राइबोसोम जनरली ऑकर इन ग्रुप्स कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीजम, दैट इज 4 to 8 राइबोसोम आर अटैच्ड टू द सिंगल एमआरएनए. देख पा रहे हो यहाँ पे? तो यहाँ पे देखो प्रोकैरियोटिक सेल में बच्चों एक साथ एक ही एमआरएनए स्ट्रैंड में बहुत सारे राइबोसोम 4 to 8 राइबोसोम अटैच टू सिंगल एमआरएनए. दिस पिंक कलर इज योर एमआरएनए. तो अगर यहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच्ड हैं तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम उसको? पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स बोला जाता है. राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस. देन क्रोमाटोफोर्स. क्रोमाटोफोर्स क्या होता है बच्चों? फाउंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. क्रोमाटोफोर्स आर सिनोनिम स्ट्रक्चर या फिर इक्वल स्ट्रक्चर टू योर थाइलाकॉइड्स. कहाँ पे मिलते हैं ये क्रोमाटोफोर्स? यूजुअली साइटोप्लाज्म में ही मिलते हैं. और ये फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में मिलते हैं. जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं बच्चों उनमें क्रोमाटोफोर्स पाए जाते हैं. क्रोमोसोम्स कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कॉल्ड बैक्टीरिया क्लोरोफिल. बैक्टीरियो पाइथिन एंड कैरोटीनोइड. ये सारे पिगमेंटेशन होते हैं किसमें? क्लोरोसोम्स में. क्लोरोसोम कहाँ होता है? बैक्टीरिया सेल्स में. ओके, सो इन ग्रीन बैक्टीरिया यूजुअली हम लोग जिसको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं वहां पे हमें क्या मिलता है बच्चों? यूजुअली क्लोरोसोम्स. क्लोरोसोम्स क्या क्या चीज लेके बना होता है? क्लोरोफिल एंड बहुत सारे पिगमेंट लेके बना होता है. एंड क्रोमाटोफोर्स आर द स्ट्रक्चर फाउंड इन बैक्टीरिया. कौन से बैक्टीरिया? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. और हम अगर ग्रीन बैक्टीरिया के बारे में बोल रहे हैं वहां पे हम क्लोरोसोम्स बोलेंगे इसको. देन अगेन न्यूक्लियोइड. इट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया. न्यूक्लियोइड क्या है? बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है. अभी देखो यहाँ पे जो कुचुड़ मुचुड़ होकर बहुत सारा रेड कलर स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, दिस इज योर क्रोमाटिन मटेरियल. ओके, ये सारा ये जो स्ट्रक्चर है ये क्रोमाटिन मटेरियल. इसमें देखो मैं क्या बोली थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं है, न्यूक्लियर लॉस भी नहीं है, सिर्फ डीएनए, वो भी क्रोमाटिन फाइबर के जैसा नहीं है, सिर्फ डीएनए अपने ऊपर क्या हुआ है, सर्कुलर डीएनए पूरा मुड़ के प्रेजेंट है इस तरह का डीएनए को. और इस तरह का जो ये तैर रहा है यहाँ पे ये जो रीजन में है उसको न्यूक्लियर रीजन हम बोलते हैं. सो इट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया एंड कंसिस्ट ऑफ सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सुपर कॉइल डीएनए. ओके, सुपर कॉइल डीएनए. और दिस इज जेनेटिक मटेरियल. न्यूक्लियोइड के बारे में समझ में आया? यस मैम. न्यूक्लियोइड कहाँ पे मिलता है? क्वेश्चन आएगा तो आंसर होगा आपका बैक्टीरिया. न्यूक्लियोइड बैक्टीरिया में क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल. ओके, अभी अगर पूछेगा कि प्लाज्मिड का क्या काम है, अगर पूछेगा तो प्लाज्मिड बोलोगे आप लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मतलब ये जो डीएनए हमने देखा उसको छोड़ के और थोड़ा जेनेटिक मटेरियल भी होता है बैक्टीरियल सेल में. वो जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए उसको बच्चों हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं. प्लाज्मिड का बहुत इंपॉर्टेंस है बायोटेक्नोलॉजी में.
हम जब आरडीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं तो वहां पे ये यूज करवा सकते हैं, क्योंकि इसको हम लेके कट कर सकते हैं पर्टिकुलर साइट में, वहां पे नया बैक्टीरिया का या फिर डीएनए का पार्ट ज्वाइन भी कर सकते हैं, लाइगेशन कर सकते हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका एक खासियत है ये खुद ब खुद रेप्लीकेट करता है, ओके, बैक्टीरिया जैसा, मतलब डीएनए जैसा खुद ब खुद बैक्टीरिया सेल के अंदर रेप्लीकेट करेगा। तो सेल्फ रेप्लीकेटिंग है ये, सर्कुलर है, देखो सर्कुलर है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम वाले, मतलब आपका डीएनए को या फिर आपका सेलुलर डीएनए को छोड़ के आउटर पार्ट में होता है ये, न्यूक्लियर रीजन के बाहर होता है, सेगमेंट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, देन इफ दे आर टेम्पररीली एसोसिएटेड विद न्यूक्लियॉइड, अगर न्यूक्लियॉइड के साथ ऐसे जुड़ के हैं देन हम उसको एपिसोम्स बोलेंगे, यूजुअली न्यूक्लियॉइड से दूर रहता है, बट अगर न्यूक्लियॉइड के साथ जुड़ के हैं उसको एपिसोम बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा प्लाज्मिड व्हिच आर एसोसिएटेड विथ योर न्यूक्लियॉइड इज नोन एज गैस प्लाज्मिड, देन आंसर इज योर एपिसोम। क्लियर? यस मैम। देन आया बच्चों फ्लाजेला, क्या बोली थी फ्लाजेला, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है फ्लाजेला, यूजुअली एक फ्लाजेला है तो मोनोट्राइकोसाजी हमने पढ़ा था, ये है क्या लोकोमोशन में हेल्प करेगा, और पेरिट्राइकस अगर हर जगह में है तो पेरिट्राइकस बोलेंगे। सो ये कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स, एक तो बासल बॉडी लेके होता है, हुक होता है इसका, फिलामेंट होता है। ऑलरेडी सेल में ये चीज मैं बता चुकी हूँ इसलिए यहाँ पे नहीं बताऊंगी बच्चों, जो सब नए हो उनको बैकअप क्लास भी दिया जाएगा, बट मीनवाइल आप मेरा जो सेल वाला वीडियो है जाके देख सकते हो, ओके। तो फ्लाजेला यूजुअली ये तीनों चीजों को लेके बना होता है। अभी काम क्या करता है फ्लाजेला, वही लोकोमोशन में हेल्प करेगा, एंड पिली एंड फिम्ब्री, पिली एंड फिम्ब्री क्या है, पिली यूजुअली हेल्प करते हैं ए प्लस, मतलब फर्टिलिटी फैक्टर या फिर रिप्रोडक्शन में, कंजुगेशन के टाइम में एक जो बैक्टीरिया होता है बच्चों जिसका पिली होता है उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिसका पिली है, और एक बैक्टीरिया होता है जिसका पिली नहीं होता है उसको नेगेटिव बोलेंगे, इसको पॉजिटिव। तो ये जाके बच्चों इसके साथ ऐसे जुड़ेगा और जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, दिस प्रोसेस इज नोन एज योर कंजुगेशन, ओके। अभी फिम्ब्री क्या करते हैं, अटैच, मैंने बोली एडिशन होना, अटैच होना कहीं पे, या फिर आप बोल सकते हो मूव करेगा, अटैच होके मूव करेगा, उस चीज के लिए आपका फिम्ब्री हेल्प करता है। देन आया बैक्टीरियल न्यूट्रिशन, बैक्टीरियल न्यूट्रिशन से हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। देखो ऑटोट्रॉफ भी है, हेटरोट्रॉफ भी है बैक्टीरिया, फोटोऑटोट्रॉफ भी है, केमोऑटोट्रॉफ भी है, पैरासाइटिक भी है, साप्रोफाइट्स भी है, रिप्रोडक्शन असेक्सुअल, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन टाइप का है, स्पोर भी फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम असेक्सुअल टाइप बोलते हैं, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी है इनका, मतलब डेयरी इंडस्ट्री जैसे कि हम कर्ड बनाने में, चीज बनाने में हेल्प करता है ये, फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, पारा देन फार्मास्यूटिकल्स मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक हो जाए या फिर वैक्सीन हो, ये सब में भी हेल्प करता है, देन बायो फर्टिलाइजर में भी हेल्प करता है, वेरियस प्लांट डिजीज मतलब ये आपका फ्रेंडली कैरेक्टर नहीं है जो कि आपका एनिमी है, जो कि बहुत सारे प्लांट है हमारे में भी डिजीज भी कॉज करवाता है, ओके। देन कॉमन बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा डिटेल उतना देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर बैक्टीरिया वर्ल्ड या फिर मोनेरा वर्ल्ड, समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, फास्ट जो स्लाइड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वन वाला वो आज आपको पूरा पढ़ना है, टू वाला मैं शाम तक भेज दूंगी, ओके। तो आपको वन पूरा कंप्लीट करना है बच्चों, फिर मैं टू भेजूंगी, टू को भी पढ़ो, जितना तक पढ़ाया गया है उतना तक पढ़ो, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी का हम लोग कंप्लीट करेंगे, ओके। তো সেটা যদি আমি প্রিভেন্ট করি পারি মানে কি না আমার যেতেবে আমি রকুছে কোনসি প্রকার তোমার সলিউশনে যুটি কি তা বড় ভিতর কোন বনা এন্ট্রি করুছে
वाटर से एंट्री को प्रिवेंट करिबो सेटी ब्रस्टिंग होई परिबोनि इवन डेसिकेशन एक्सट्रीम ड्राइनेस रे मध्ये हम जेबि रखुचे ताहाले मध्ये ड्राई एनवायरमेंट रो कोन करिबो से सेल वॉल ताको कोन करिबो प्रिवेंट करिबो एक्चुअली ड्राई एनवायरमेंट रे कैप्सूल बेसी प्रिवेंट करे केमती ना कैप्सूल ता बाहर गोटे लेयर हे जाउचे आ भीतर जेमेति थिला से सेल्ती रहिथिबो ओके आउ एनवायरमेंट सुइटेबल हले से बाहरिबो कैप्सूल ठीक होला फूड मटेरियल कंडीशन सुइटेबल नाही ताको कैप्सूल भीतर रहिबार अछि से हिसाब रे से रिजर्व फूड मटेरियल वडा बॉडी रे यूटिलाइज करिवो बा सेल रे थिबा रिजर्व फूड मटेरियल वडा यूटिलाइज करिवो आ से माने सफिशिएंट फूड मटेरियल रिजर्व करिकि रखि थानथि मैम सामान कर नॉर्मल कंडीशन रे त सेल वॉल टम स्पर्मेबल अछि सब फूड मटेरियल को इनटेक करया पई कि नॉर्मल कंडीशन रे करि परिवो बट यदि कंडीशन ओस्ट अच्छी से केस रे से कैप्सूल फॉर्म करके कि रही जे बचारी पटे या फिर सिस्ट फॉर्मेशन करके कि भी रही जाए ओके आउ कौन डाउट अच्छी को ओ आज ताले पढ़ो नेक्स्ट क्लास को जहां जहां डाउट थिवो से माने पचारो और नेक्स्ट क्लास पिले हमें किसका क्वेश्चन डिस्कशन करबा ओके मैम अपन को चैप्टर अभी जे पढ़ रहे छी अभी जे सेल बायो मॉलिक्यूल आउ सेल साइकिल एति के सॉरी छी माने गोटी यूनिट सॉरी छी यूनिट 3 टा तापर यूनिट 1 टा स्टार्ट हे छी क्लासिफिकेशन तमरो सेकंड चैप्टर चली छी आ पूर्वर जस्ट लिविंग वर्ल्ड सॉरी छी आउ बॉटनी पार्ट रो एटा मो कहली मो नउ छी एटा बायोलॉजी रो ए पार्ट एबे एति के सारी छी बाकी आरो मैडम कोन कोन जूलॉजी मैडम पढी छी नि के मैम को पचारी हो से कहि देबे कोन कोन सारी छी ओके ओके मैम थैंक यू क्लास।